16 नवंबर 2021 के लिए डेली लेवल एनालिसिस निफ्टी स्पोर्ट्स बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन के लेवल नोट कर लेवे। जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़े। सोलह नवंबर के निफ्टी स्पोर्ट बिलो 18,130 के नीचे सेल में रहेगा, सपोर्ट 18,050 17,980, रेजिस्टेंस ऊपर में 18,189 18,218 तक जा सकता है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। 16 नवंबर के लिए निफ्टी 18,100 का पुट वीकली वाला एबो 82 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 56,50 47,65 38,65, रेजिस्टेंस 115 140 और 175 तक जा सकता है। 16 नवंबर के लिए 18,100 कॉल का भी वीकली वाला जहां घटे हुआ 82.65 के पास लेना है। यदि मार्केट सुबह नीचे की तरफ मुंह लेता है तो आप कॉल पर नज़र रखिएगा और जहां घटे हुआ 82.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 58.50 और 45.15 का रखिएगा, ऊपर में रेजिस्टेंस 130 155 तक जा सकता है। सेकंड हाफ के बाद मेरे को लग रहा है मार्केट खींचना चाहिए। 16 नवंबर के लिए टाटा स्टील एवो 1233 के ऊपर बाई करना है और 1233 तोड़ दे तो एग्जिट हो जाइएगा, सपोर्ट 1220 1175, 1220 है या 1190 के पास भी आप लेकर खेल सकते हो और ऊपर में रेजिस्टेंस 1265 1282 तक जा सकता है, बाय ऑन डिप्स रहेगा ये टाटा स्टील, क्यों बहुत ऊपर से गिर चुका तो शायद कल एक बार नीचे करके पुल बैक दे गए। 16 नवंबर के लार्सन टुब्रो बिलो 1955 के नीचे सेल रहेगा, सपोर्ट 1935 1921, रेजिस्टेंस ऊपर में 1965 1981 तक जा सकता है, बोथ साइड खेलिए। 16 नवंबर के लिए ITC बिलो 239 के नीचे सेल रहेगा, 236.70 234.40, ऊपर में रेजिस्टेंस 242.60 244.50 तक जा सकता है, बाय ऑन डिप्स। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। 16 नवंबर के लिए बायोकोन एबो 358.50 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 351.50 का रहेगा, रेजिस्टेंस 367 373 378 तक कल जा सकता है, बाय ऑन डिप्स रहेगा ये भी। 16 नवंबर के लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर बिलो, ये फ्यूचर का प्राइस है, बैंक निफ्टी फ्यूचर बिलो 38,900 के नीचे सेल रहेगा, सपोर्ट 38,650 38,400, रेजिस्टेंस ऊपर में 39,022 39,120, लेकिन अपने को बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी अपनाना है, जहां भी मिले नीचे में लेकर खेलिएगा। कल लग रहा है कि सेकंड हाफ के बाद बैंक निफ्टी में जोर से टर्न आना चाहिए। 16 नवंबर के लिए बैंक निफ्टी 38,500 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 342 से 300 का रेंज में कहीं भी लीजिए, सपोर्ट 280 234 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर 525 तक जा सकता है। 16 नवंबर के लिए अदानी एंटरप्राइज जहां घटे हुआ 1730 के पास लीजिए, सपोर्ट 1756 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 1778 1793 और 1807 तक जा सकता है। 16 नवंबर के लिए IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लेवल एबो 809 के ऊपर बाई रहेगा, सपोर्ट 796 780, रेजिस्टेंस 823 839 तक जा सकता है। 16 नवंबर के लिए IRCTC लेवल है वो 898 के ऊपर बाई रहेगा, सपोर्ट 874 का रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 921.50 तक जा सकता है कल के लिए। 16 यदि आपको मेरे लेवल अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे भेजें ताकि किसी और की हेल्प हो सके, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।
मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ इंट्राडे लेवल के लिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।